कादिर हर एक शय पे तू परवरदिगार है, मर्जी हक पे आदमी बे इख्तियार है। शम्सुल उलूम की, शम्सुल उलूम पर करमो किरदिगार है। बड़ी खूबसूरत अंदाज में अजीज कुरान की तिलावत पेश कर रहे हैं। आइए इसके बाद आइए एक बार फिर उस इनकलाबी हस्ती के जिक्र मसूद से लबो दहन को लज्जत आशना, समात को शहद आगी, दिलों को मस्त और मदहोश करें और नातिया कलाम में तर्ज संजी और तरन्नुम आफरीनी के लिए एक ऐसे ही नात खां से दरखास्त करें जो इस फरीजे की अदायगी का जज्बा और मलका दोनों रखता है। मेरा रूह सुखन इज्जत माब आली जनाब शायरी आजम हिंदुस्तान असद आजमी साहब से मैं दरखास्त गुजार हूँ इस शेर के साथ, साहबे तर्जे शहनशाहे तरन्नुम है वो, साहबे तर्जे शहनशाहे तरन्नुम है वो, गुलशने बज्म में फूलों का तबस्सुम है वो, साहबे तर्जे शहनशाहे तरन्नुम है वो, गुलशने बज्म में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे हो तुलू चांद और उजाला हो जाए, जैसे हो तुलू चांद और उजाला हो जाए। आली जनाब शायरी आजम हिंदुस्तान असद आजमी साहब से मैं दरखास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत नातिया कलाम से नवाजें, और हमारे सामने चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, इनकी भी स्वागत है, इनकी भी तशरीफ आवरी हो चुकी है। असद आजमी साहब माइक पर माशाअल्लाह पर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माइक वाले थोड़ा सा हमको आवाज दीजिए, बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए, ट्रेबल दे दीजिए, बेस बंद है ट्रेबल दे दीजिए थोड़ा सा, और डिले दे के रिपीट दे दीजिए। पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब की खूबसूरत सदारत में आज का ये खूबसूरत इजलास आम अपनी आबोताब के साथ मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं एक मतला और एक शेर बिहार की सरजमीन से उठाकर उत्तर प्रदेश के सरजमीन के हवाले कर रहा हूँ, मतला हाजिर कर देता हूँ। चार मिसरे बतौर खास उलमाए इकराम की खुसूसी तवज्जो मतला हाजिर करता हूँ। समाज फरमा लें, आह मज़लूम है ज़माने की, आह मज़लूम है ज़माने की, आह मज़लूम है ज़माने की, कौन कहता है बेअसर होगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी जी सर, ये माइक डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। आपने इसको दे दिया है, इतना ज्यादा नहीं चाहिए ना समझ, हाँ बहुत ज्यादा, हमें डिले देकर रिपीट चाहिए, हम बोले तो ऐसा लगे हमारा भाई भी बोल रहा है। हाँ बस इस तरह ठीक है, समझ में आ रही आवाज? एक मरतबा इजाजत दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवा में उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे कंजूसी से अगर काम करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। पेश कर देता हूँ यहाँ से समाज, फरमा ले, आह मज़लूम है ज़माने की, कौन कहता है बेअसर होगी, ज़ुल्म की शाम हो चुकी असरत, शाम हो चुकी असरत,
जल्दी सहर होगी, देखना जल्दी सहर होगी, देखना जल्दी सहर होगी। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ रहा हूँ, चार मिसरे पढ़कर उसके बाद रफ्ता रफ्ता 15-20 मिनट का वक्त मेरे हिस्से में आया है, लेकिन अच्छी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। पेश करता हूँ चार मिसरे और हालात हाजरा के हवाले से। डरने और घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह पर पूरा एतमाद, पूरा यकीन, पूरा भरोसा है, हम दिल में हमेशा लेकर चलते हैं। चार मिसरे पहुँचा रहा हूँ समाज, फरमा ले के आह के सामने ताकत नहीं चलने वाली, आह के सामने ताकत नहीं चलने वाली, झूठ पर मबनी सियासत नहीं चलने वाली, झूठ पर मबनी सियासत नहीं चलने वाली, कुफर के साथ हुकूमत का है चलना मुमकिन। देखिएगा बतौर खास के कुफर के साथ हुकूमत का तो चलना मुमकिन, जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चलने वाली, जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चलने वाली, जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चलने वाली। बहुत शुक्रिया। आइए मुकम्मल नाते पाक का मतलब आप सबकी जहीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। अच्छा सा माहौल बनाने के लिए मैंने चार चार मिसरों का सहारा लिया। थोड़ा सा ठंडक आप हजरात के ऊपर गालिब नजर आ रही है, अगर उसको थोड़ा सा दूर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, तो शायर का काम हो जाएगा। चार मतलब हाजिर कर देता हूँ नाते पाक का समाज, फरमा लें। लाजवाब है, 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 लाजवाब है। कुरान की एक एक आयत को शरीफ होइए का बतौर खास, पूरा मतलब एक मतलब एडवांस में बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं सामने वाले, अल्लाह के वास्ते बोल देंगे तो आपके नामे आमाल में इजाफा हो जाएगा सुभान अल्लाह बोलने से। मैं तालियां बजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह और माशाल्लाह बोलने की बात कर रहा हूँ। कितने लोग सुनना चाहते हैं, हाथ उठाकर इजाजत दे, बोले सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ यहाँ से मतलब सुने। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, कुरान की एक एक आयत को, कुरान की एक एक आयत को, महबूब खुदा की सीरत को, महबूब खुदा की सीरत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, और आपकी खत्म नबूवत को, जो ना माने उस पर अजाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। बहुत बढ़िया। जावेद कलीम साहब जब कैमरा आपके तरफ घुमा रहे हैं, सिर्फ दो चार हाथ उठ रहे हैं, लाजवाब जब आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। जब कैमरा घूमे तो सीवान की और गोपालपुर की अच्छी समातें आप बताएं, जैसा हम पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं वही समातें चाहिए। पेश कर देता हूँ समात, फरमा लें। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है,
है रब का दुलारा नबी नबी बोलेंगे बोलेंगे नबी नबी बोलेंगे कितने लोग बोलेंगे हाथ उठाएं तो माशाल्लाह है रब का दुलारा नबी नबी है रब का दुलारा नबी नबी कुरान का पारा नबी नबी कुरान का पारा नबी नबी महशर में सहारा नबी नबी महशर में सहारा नबी नबी हर आंख का तारा नबी नबी हर आंख का तारा नबी नबी वो अरब का खिलता गुलाब है लाजवाब 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 लाजवाब है बहुत बहुत नाज़िमे जलसा के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ लाजवाब है लाजवाब है आता हो अल्हम्दुलिल्लाह सकलैन नबी के कदमों में थोड़ा सा मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिएगा पेश कर रहा हूँ समाज फरमाएं सकलैन नबी के कदमों में सकलैन नबी के कदमों में कौनैन नबी के कदमों में कौनैन नबी के कदमों में तारैन नबी के कदमों में तारैन नबी के कदमों में शम्स नबी के कदमों में शमसैन नबी के कदमों में वो शफीए रोजे हिसाब है लाजवाब 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 है अपने जहन में रखे 1400 साल पहले से कुरान पाक को हमेशा हर दौर में जलाने के मिटाने की कोशिश की गई लेकिन उन जाहिलों को नहीं मालूम खुद अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून एक बंद हाजिर करता हूँ अगर हुफ़ाज़े इकराम के दिल तक ये शेर पहुँच जाए तो पूरी कमेटी और पूरे सामईन की मैं दुआएं चाहूंगा पेश करता हूँ फरमा लें कि कुरान जो दिल में बसाएगा कुरान जो दिल में बसाएगा वो दस को बहेश्त दिलाएगा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह कुरान जो दिल में बसाएगा वो दस को बहेश्त दिलाएगा और इससे जो टकराएगा और इससे जो टकराएगा कुत्ते की मौत वो पाएगा कुत्ते की मौत वो पाएगा कुरान ही ऐसी किताब है लाजवाब 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 लाजवाब है और खास समाज फरमाए आता हो इशाद ईमान वो जैसे ले आए जी खलीफा अव्वल के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ फरमा लें कि वही अफजल है वही बेहतर है वही अफजल है वही बेहतर है जो साथ में गार के अंदर है वही अफजल है वही बेहतर है जो साथ में गार के अंदर है अस्हाब में पहला नंबर है शरीफ भाई का मोहब्बतों से असहाब में पहला नंबर है जिब्रील से भी वो पढ़कर है सिद्दीक उसी का खिताब है लाजवाब है लाजवाब है लाजवाब है लाजवाब
लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। आइए एक मतला और तीन शेर पढ़कर उसके बाद मैं अपनी जगह क्योंकि मेरा वक्त भी लगभग लगभग पूरा ही होने वाला है। एक मतला चंद शेर और पढ़ दूं आपके दरमियान। आता हो इरशाद आली। इरशाद, कितने लोग हैं जरा सा हाथ उड़ाकर बताओ। नहीं सुनना चाहते असद भाई? आता हो, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। सुनिए पहले, ये ना सुनने वालों का हाथ उठा था। मैंने कहा कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं सुनना चाहते, तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हाजिर नहीं है। आप हाजिर हो जाइए। अच्छा, कितने लोग सुनना चाहते हैं? दोनों हाथों को हवा में उठाकर इजाजत दें और मोहब्बतों से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मतलब हाजिर कर देता हूँ समाज फरमा ले कि किसी को उल्फत बहुत खूब माशाल्लाह। नहीं किसी को उल्फत शहे अंबिया से, दो आलम में उसे का गुजारा नहीं है। शरीक होइएगा कि नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से, नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से, दो आलम में उसे गुजारा नहीं है। खुदा साफ कुरान में कह रहा है, नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। खुदा साफ कुरान में कह रहा नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। और बहुत खूबसूरत सा शेर आप सबकी ज़हीन समाजों के हवाले से हवाले कहीं गेसुओं का, कहीं गेसुओं का बहुत बयां हो रहा है। जी जी जी, बहुत कहीं रूए अनवर जलवा गरी है, कहीं गेसुओं का बयां हो रहा है, कहीं गेसुओं का बयां हो रहा है, कहीं रूए अनवर की जलवा गरी है। न हो जिसमें जिक्रे रसूल मुकर्रम कोई ऐसा कुरान पारा नहीं है, नबो जिसमें जिक्रे रसूल मुकर्रम कोई ऐसा कुरान पारा नहीं है। आपके हवाले कर रहा हूँ इरशाद आली, इरशाद आली। एक वाक़े तक आप सबका ज़हन अगर पहुँच जाए, आप सब माशाल्लाह अहले इल्म हैं। एक शेर पढ़ रहा हूँ समाज फरमा ले, एक वाक़े आप सबके ज़हन तक पहुँचे तो शरीक होइएगा। इरशाद, इरशाद, बहुत मेरे जिस्म पर बाल, हाँ हाँ, बहुत खूब, जितने हैं उतनी मिले मुझको जान भी कुर्बान कर दूं। अगला मिसरा बोल रहा है, अगर आप सबका ज़हन पहुंचे तो शरीक हो जाइएगा। मेरे जिस्म पर बाल जितने हैं उतनी मिले मुझको जान भी तो कुर्बान कर दूं, मगर एक पल को भी ईमान छूटे हुज़ैफ़ा को हर गिज़े गवारा नहीं है, मगर एक पल को भी ईमान छूटे
हुज़ैफ़ा को हरगिज़ गवारा नहीं है। आखिरी बतौर मकमा शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह की मोहब्बत देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश कर देता हूं समाज फरमा लें। है शाने नबी इतनी जी 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 बहुत खूब आली ए असद उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है शाने नबी कितनी आली आयस अदे उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है कहा रब ने मौसम मिलो तहया कभी नाम ले कर पुकारा नहीं है कहा रब ने मौसम मिलो तहयासी कभी नाम ले कर पुकारा नहीं है खुदा साफ कुरान में कह रहा नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब असद आजमी साहब जो बड़ी खूबसूरत मजमे को बनाए हुए थे। अब बिल्कुल संजीदगी का इसी माहौल को बरकरार रखना है और उलमाए किराम के नूरानी खिताबात को यके बाद दिगरे समाप्त करनी है। बराहे करम इस मजलिस के संजीदगी को बाकी रखें।